फ्रेंड्स, इसी तरह हम अभी पौधे लगा रहे हैं जो बांस के हैं, और इसका लगाने का तरीका आप देख सकते हो। यहाँ से हमने दो दो ये छोड़े हैं ट्रैक्टर के, तो ये देखिए यहाँ पे 4 फीट पे एक पौधा लगा रहे हैं, और ऐसा ये जो लेंथ है इसका 10 फीट तक है। तो इसको कुछ नहीं है, हम पूरा सादा जो तरीका है इसका, जो पूरा देसी तरीके से लगा रहा है, इसको खाद वगैरह कुछ नहीं डाल रहे। खाद वगैरह हम बाद में डाल देंगे। ओके, तो ऐसा ही पूरा यहाँ से आधा करे पूरा ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा, ये जो इसमें बीच में का नाप है जो 10-10 फीट का है, और ऐसा जो सीधा जाएगा वो है 4-4 फीट का। तो ये जो लाइन लगा रहे हैं हम सीधा यहाँ से लास्ट एंड तक, वो 4-4 फीट तक आ जाएगा, ताकि ये जब बीच में का कुछ हिस्सा नहीं बचेगा और टोटल एक तरफ से पूरा बांस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी जो इसका बांस के बुआई का काम चल रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वहाँ पे लगा रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखिए ऐसा यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये मोसो जाति का है, तो इसकी पूरी इस इंफॉर्मेशन वो जो सर दिए देते हैं जो वीडियो में, मैं जहाँ पे लेने को गया था वहाँ के वो सर देंगे, और उनका वीडियो मैंने डाल दिया है चैनल पे, आप देख सकते हो। और साथ ही अगर कैसी है मेरी खेती, तो ये सब आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। और बस की और जानकारी चाहिए तो उस सर से कांटेक्ट को, उनका चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है, तो इसी तरह ये पूरा लगाने का काम चल रहा है बांस, ये देखिए पीछे लगाया हुआ है पूरा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने एक लाइन में 4-4 फीट को लगाया है, और यहाँ से कम 54 पेड़ लग रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, उस पेड़ तक जो इमली का पेड़ है वहाँ तक है। तो यहाँ से 54 लगाएंगे, और ये सब लगाएंगे इसमें 54 54 54 ऐसा आ जाएगा, 250 पेड़ वहाँ पे जाएंगे, और जो यहाँ पे है नीचे और वहाँ तक, वहाँ पे बोरवेल है वहाँ तक जो बचे हुए हैं 500 में से, वो यहाँ से पूरा लगा देंगे। और बाकी का यहाँ तो पूरा जंगल थोड़ा थोड़ा है, और इसमें समा जाएगा ये बाद में, तो वही हम अभी यही करेंगे। ठीक है, तो हम अभी पेड़ को पानी देने वाले हैं, वहाँ पे एक बैरल में पानी रखा है, और सबको थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। इसमें खाद वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने अभी फ़िलहाल, क्योंकि जब ये चिपक जाएगा ज़मीन में और अच्छा तरीके से आ जाएगा, तो उस टाइम से इसको खाद वगैरह डाल देंगे। तो चलिए अभी पानी वगैरह इसको डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें, ताकि ये चिपक जाए, अभी बारिश का मौसम है तो आराम से चिपक जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और हमारा काम पूरा यहाँ का प्लांटेशन हो गया, लगाने का काम हो गया है, और यहाँ से हम अभी 4-4 फीट पे यहाँ पे लगा रहे हैं ऐसा सीधा वहाँ उधर तक, और उसके यहाँ से यहाँ तक ऐसा पूरा ये लगाएंगे। और इसकी जो ये है वो जो खेत का 7-11 रहता है ना, उसमें उतारा बोलते हैं उसको, उसमें नोंद करने का, इसको उसमें रजिस्टर करने का इस सभी पेड़ को, क्योंकि कल अगर कुछ हो जाए तो कोई टेंशन नहीं रहता है कि हमारे यहाँ पे पेड़ थे ऐसा कह सकते हैं। इसलिए इसका भी लोन वगैरह इसके ऊपर हम कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम ये भी कर सकते हैं इसको, जो कि लोन ले सकते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन होगा अपने खेत का उतारा जो रहता है उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमको कोई भी लोन दे सकता है। हाँ, अभी तो मेरा आधा एकड़ है, तो देखेंगे आगे क्या क्या होता है। अभी आप भी है, मैं भी हूँ यहाँ पे, देखिए।
ऐसा इस तरह से मैंने इसका जो बीच में का जो नाप है ना वो 10 रखाया, और जो सीधा लगाते हैं ना उसको 4-4 फीट पे लगाया हुआ है, क्योंकि जो लाइन है एक पूरी लाइन रहती है वो, जैसे कि अभी यहाँ पे कैसा आ गया ये देखिए, यहाँ पे ऐसा ये सीधा आ जाएगा और बीच में 10 फीट का गैप रहेगा, क्योंकि अभी जब हम लगाएंगे ऐसा ये देखिए यहाँ पे सब पेड़ है ऐसा आ जाएगा वो, क्योंकि जब ये हो जाएगा जब आएंगे जो बास आ जाएगा तो एक सीधे लाइन में आ जाएगा वो, जब यहाँ पे भी हम 10-10 फीट पे लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में गैप बहुत बड़ा गैप पड़ेगा, इसलिए हम एक ही लाइन में 4-4 फीट को लगाएंगे, फिर बाद में उसका जो ये हो जाएगा जब बढ़ेगा वो तो हमको ये करने में मदद हो जाएगा, क्योंकि वो एक लेवल में आ जाएगा और ज़्यादा फायदा होगा हमको। ओके तो चलिए अभी हम करेंगे इसके और सब ये लगाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके तो चलिए मिलते हैं, और थोड़ा यहाँ पे लगाने का काम हो गया है, यहाँ पे एक 50 लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे खेत है उसमें भी हम लगाएंगे, उसमें कम से कम 150 कुछ पेड़ लगाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे तो हम 250-300 लगाया हुआ है, जो यहाँ पे आधा एकड़ से भी कम है ये खेत, तो इसके नीचे और वो पेड़ है ना उसके पीछे आ जाएगा, तो चलिए वहाँ भी लगाने के बाद मैं दिखाऊंगा वहाँ का भी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बारिश हो रही है और हमने यहाँ पे पूरा ये लगाया हुआ है बांस की खेती, और ये देखिए यहाँ पे पूरी बारिश हो रही है, ये देखिए बारिश तो चल रही है यहाँ पे, और ये देखिए ये भी तेज़ बारिश हो रही है, तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा भीग जाएगा इसलिए मैंने हाथ रखा है, ये देखिए बारिश हो रही है, और अच्छा हो गया कम से कम 300 पेड़ लगाए मैंने यहाँ पे, और बाकी के बचे हैं 200, ये वो यहाँ पे लगाऊंगा अभी, वो कल लगाऊंगा क्योंकि आज बारिश में काम करने को नहीं आएगा, फिर भी मैं अभी 300 तो पेड़ यहाँ पे पूरे के पूरे लगा दिए हैं। ये देखिए कैसा हो गया मेरा हुलिया, पूरा भीग गया हूँ मैं पूरा इसमें बारिश में, तो चलिए मिलते हैं कल। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे भी लगाया मैंने, और ऊपर वहाँ पे भी लगाया इसके पीछे कम से कम 500 इसके पौधे वो मैंने लगाए हैं बांस के, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वो बोरवेल है ना वहाँ तक लगाए हैं, उसके आगे थोड़ा, और टोटल 500 आधा एकड़ में 500 पेड़ मैंने लगाया है, और अभी इतने बचे हैं उसको रखेंगे ऐसा, क्योंकि इसको कुछ हो गया, इसमें से किसी पौधे को कुछ हो गया तो वहाँ पे लगा सकते हैं, इसीलिए रखा है। और इसी के साथ अपना ये ब्लॉग ख़त्म होने वाला है, और जो चैनल पे नए हैं वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।